स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड. दिस इज़ अ वीडियो अबाउट कन्वर्सेशन एंड दिस इज़ योर बुक कन्वर्सेशन मेनिया. लवली एंड प्रिटी बुक एंड द लेसन इज 12. लेसन 12 आप पढ़ रहे हैं जिसमें है एट द बुक शॉप. दो बच्चे हैं जो कि बुक शॉप जाते हैं और उन्हें बुक परचेज करनी है. सो दिस लेसन लर्न्स यू हाउ टू यू कन्वर्सेशन डू योर कन्वर्सेशन विथ योर शॉपकीपर और योर फ्रेंड एंड चूज इन द बुक. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पेज, पेज नंबर 33. ओके, शॉपकीपर से दो बच्चे हैं, वो बुक्स लेने आए हैं तो उनसे डिस्कशन करते हैं. शॉपकीपर, 200 रुपीज़ सर. जो बॉय है सचिन, वो एक बुक को जो है चूज़ करता है लेने के लिए, तो उससे वो पूछता है कि इसकी कॉस्ट क्या है. शॉपकीपर बताता है कि इसकी कॉस्ट है 200 रुपये. सचिन, इट इज़ टू एक्सपेंसिव. जब टी ओ टू होता है तब होता है से, और जब टी डबल ओ टू होता है तो ये हो जाता है बहुत ज़्यादा. टू मीन्स बहुत ज़्यादा. ओके, तो सचिन कहता है ये इसका दाम बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर ये बुक जो है 200 के अकॉर्डिंग नहीं है, प्राइस इसकी और कम होनी चाहिए. शॉपकीपर, कैन यू प्लीज़ टेल मी योर बजट. बजट मीन्स होता है BUDGET. बजट, बजट मीन्स होता है आपके पास कितना पैसा है, आप कितना खर्च कर सकने में सक्षम हैं, ये बताइए. तो शॉपकीपर कहता है अच्छा ठीक है, आप बताइए आपका बजट कितना है, मीन्स आपके पास जो मनी है वो कितनी है. सचिन, यस माई बजट इज़ ओनली 100 रुपीज़. सचिन बोलता है मेरे पास खर्च करने का जो मेरा अमाउंट है, पैसा है, वो सिर्फ 100 रुपीज़ का है, मीन्स मैं इससे एक्सपेंसिव बुक को नहीं ले सकता हूँ. इसका मतलब है शॉपकीपर को कितने की बुक दिखानी चाहिए, जो 100 तक की हो या 100 से उसके रेंज से कम में हो. शॉपकीपर बोलता है ऑल राइट, ठीक है सर, बट देयर आर अदर स्टोरी बुक्स हेयर. वो बोलता है ठीक है, आप मत परेशान होइए, यहाँ पे आपके बजट यानी आपके रुपीज़ के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे स्टोरी बुक्स हैं. दैट कॉस्ट ओनली 100 रुपीज़. मेरे पास एक और भी स्टोरी बुक है जिसकी कॉस्ट केवल 100 रुपये है. सचिन, ओ दिस बुक ऑल्सो इज़ वेरी गुड. अब सचिन उस बुक को उठाता है, देखता है और उसको लगता है ये बुक भी अच्छी है जो मैं अपने फ्रेंड को प्रेजेंट कर सकता हूँ, और बोलता है यस ये बुक भी बहुत अच्छी, आई टेक दिस, मैं इसको ले लेता हूँ. उसका रीज़न ये भी रहता है कि उसको 100 रुपये ही हैं जो खर्च करने हैं. शॉपकीपर, एनीथिंग एल्स सर. अब शॉपकीपर पूछता है कि और भी कुछ दें आपको. सचिन बोलता है नो प्लीज़ पैक इट इन द गिफ्ट पेपर. सचिन कहता है नहीं और कुछ नहीं चाहिए, बस आप इसको एक गिफ्टिंग वाले पेज में पेपर से रैप कर दीजिए. और इस तरह से शॉपकीपर उसको रैप कर देता है. रैप करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको खुद के लिए लेनी है तो रैपिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसी को अगर प्रेजेंट दे रहे हैं तो आपको गिफ्ट को रैपिंग करके देना चाहिए. तो उसको रैप करवा लेता है और अपने फ्रेंड के संग दोनों फ्रेंड्स चले जाते हैं. देन सचिन पे 100 रुपीज़ टू द शॉपकीपर एंड लीव्स द शॉप. और इस तरह से सचिन दुकानदार को 100 रुपये दे देता है और दुकान से चला जाता है. ओके, दिस लेसन इज़ कम्प्लीट. ये आपका लेसन कम्प्लीट होता है, लेसन 12. इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं और जो चीज़ें वो भी वर्कशीट में आएंगे, वो आपको करा दिए जाएंगे. इसको और अच्छे से बार बार सुनने समझने के लिए इसको पहले तो आप बुक को खुद पढ़िए, जो कि एक लाइन इसकी इंग्लिश भी पढ़िए, फिर उसके बगल में ही उसकी हिंदी है वो पढ़िए. इससे स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, कैसे बात करते हैं और किस बातों के लिए किस तरह के शब्दों को और लाइन्स को यूज़ करते हैं. छोटी छोटी लाइन्स इनको पढ़ते रहिए और अपने डेली लाइफ में अपने भाई बहनों के संग या फ्रेंड्स के संग इसको यूज़ करते रहिए. चलिए अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.